हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कामना करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं रवा उपमा रेसिपी। इसको बनाने में जो भी इंग्रेडिएंट्स लगते हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, रवा उपमा बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट भी है। तो देखिए, रवा उपमा बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए रवा या सूजी। तो हम लेंगे ये मोटी वाली सूजी, ये देखिए, हम महीन वाली सूजी नहीं लेंगे, बारीक वाली। उससे हमारा उपमा जो है बिल्कुल एकदम हलवे जैसा बन जाएगा। और कोई भी कटोरी या कप आप सेट कर लीजिए। तो मैंने एक बाउल भर के ले लिया है रवा। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें मैं एक चम्मच डाल दूंगी देसी घी। आप तेल का भी यूज़ कर सकते हैं। और जो मैंने रवा रखा हुआ था वन बाउल, वो मैं इसमें डाल दिया है। इसे हम बहुत ही धीमी आंच पर चलाते हुए फ्राई करेंगे। हमें इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है और इसे हमें अच्छे से रोस्ट करना है। तो ये थोड़ा सा रोस्ट हो चुका है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ यहाँ पर ये एक चम्मच जीरा। जीरा को इस समय डालने से इसका जो फ्लेवर है बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। थोड़ी देर हम चलाते हुए और भूनेंगे बिल्कुल धीमी आंच पे। तो ये देखिए, हमने बिल्कुल अच्छी तरीके से भून लिया है। हमारा रवा बिल्कुल एक एक बिखर गया है, दाना दाना एकदम से खुल गया है। तो आप समझ लीजिए आपका रवा एकदम से परफेक्टली भून चुका है। और हमने उसी कढ़ाई को फिर से ले लिया है, आप चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 3 चम्मच बड़े बड़े भर के देसी घी, आप ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें मैंने डाल दिया है मूंगफली और इनको हम धीमी आंच पे अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। तो देखिए, हमारी मूंगफली रोस्ट हो चुकी है, इसे मैं एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लूँगी। अब मैं इसमें थोड़े से ये काजू रोस्ट करूँगी, बिल्कुल ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मूंगफली बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, वो आपको ज़रूर ही डालनी चाहिए। तो देखिए, अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 1 चम्मच सरसों के दाने डाले हैं और ये मैंने चना दाल ली है 1 चम्मच भर के, इसको भी मैंने डाला है। और 1 चम्मच दी है उड़द दाल धुली हुई है। इनको हम अच्छे से बिल्कुल धीमी आंच पर चलाते हुए रोस्ट करेंगे एक अच्छा सा क्रंचीनेस आने तक। तो देखिए, दाल हमारी फ्राई हो चुकी थी। यहाँ मैंने कुछ अदरक लिया है कटा हुआ और 3 से 4 हरी मिर्च ली है कटी हुई। अगर आप लाल मिर्च डालना चाहें तो हरी मिर्च की क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर दें। मैंने डाल दिया है कड़ी पत्ता। सब चीज़ों को हम धीरे धीरे चलाते हुए रोस्ट करेंगे। और मैंने डाल दिया है 1 मीडियम साइज़ का प्याज कटा हुआ। इसको हम ट्रांसपेरेंट होने तक फ्राई करेंगे। तो देखिए, प्याज हमारा ट्रांसपेरेंट हो चुका है। अब इसमें कुछ सब्जियाँ ऐड करेंगे। तो मैंने डाला है गाजर कटा हुआ, ये मटर डाली है, आप फ्रेश मटर भी ले सकते हैं। और एक मैंने टमाटर डाला है। आप अपनी मनपसंद कोई भी सब्जियां डाल सकते हैं, जैसे कि शिमला मिर्च हुई, बीन्स हुई। तो देखिए, यही बाउल है, इसी बाउल से मैंने सूजी को नाप कर लिया है और इसी बाउल से मैं पानी को नाप कर लूँगी। तो 1 बाउल हमारी सूजी है और 3 बाउल भर के हम यहाँ पर पानी डालेंगे। तो और थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा और डालेंगे, 2 से 3 चम्मच, ताकि जब सब्जी हमारी उबलेगी तो थोड़ा सा पानी जल जाएगा। इसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी डाला है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर दीजिए। अब इसको हम उबाल आने तक ढककर रख देंगे लिड से। तो देखिए फ्रेंड्स, उबाल आ चुका है, सब्जियां हमारी उबलने लगी हैं। तो सब्जियों को हम खोलकर पकाएंगे। इन्हें ढककर नहीं पकाना है और बहुत ही ज़्यादा नहीं पकाना है, बस थोड़ी सी पक जानी चाहिए और क्रंचीनेस बना रहना चाहिए। तो सब्जियां हमारी पक चुकी हैं, अब हम इसमें सूजी ऐड करेंगे। चाहे तो आप सूजी एक साथ ऐड कर दीजिए, चाहे धीरे धीरे ऐड करिए, सूजी के बिल्कुल भी लम्स नहीं बनेंगे। थोड़ी देर हमने इसको चलाया है, इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से हो गई है। आपको बराबर चलाते रहना है बिल्कुल धीमी आँच पर। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, 5 मिनट के लिए बिल्कुल धीमी आंच पर। तो ये देखिए, लगभग 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से बन गया है, कितना ही अच्छा बना हुआ है। अब हम इसमें पीनट्स और काजू अपने जो फ्राई करके रखे थे वो ऐड कर देंगे। थोड़ा सा इसमें हम नींबू, आधा नींबू मैं इसमें निचोड़ रही हूँ, इससे जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा आता है। अब टेस्ट को और इन्हेंस करने के लिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 स्पून देसी घी। तो अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से चला लेंगे और फिर से 2 मिनट के लिए धीमी आंच पर ढककर रख देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 2 मिनट हो चुके हैं और हमारा उपमा आप देख ही सकते हैं कितना अच्छा बना है। हमने इसमें डाला है गार्निश के लिए हरा धनिया। और चलिए, अब हम धनिया को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारा उपमा एकदम से रेडी है। आप इसको गरम गरम सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैंने उपमा को सर्व करके एकदम से ले लिया है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है।
उपमा को खासकर एक बाउल की हेल्प से बनाया जाता है, तो मैं उसी तरीके से बनाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे पास ग्लास का बाउल नहीं था, ये था, मैं इसी से बना रही हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से बना है, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। मैं आपको बहुत करीब से दिखा रही हूँ, देखिए दाना दाना एकदम से पक गया है। तो फ्रेंड्स, एक बार इस तरीके से आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा और बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट भी है। तो फ्रेंड्स, एक बार मेरे तरीके से ये रवा उपमा ज़रूर बनाएं, ट्राई करें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में दूसरी रेसिपी के साथ। ओके फ्रेंड्स।